Hi, in previous video, I discussed what is traversing and how we perform the in-order traversing over the binary tree, right? So here, I take one more example and then try to understand how we perform the in-order traversing over the binary tree. Okay, so let us take one more example. And what algorithm we perform? In-order traversing. एक बार हम फिर से सारे स्टेप्स को रिकॉल करते हैं. क्या क्या हमारे स्टेप्स थे? नंबर वन, सबसे पहले हमें विजिट करना है लेफ्ट सब ट्री को. देन हमें विजिट करना है रूट नोड को. एंड फाइनली हमें विजिट करना है राइट सब ट्री. क्लियर? सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल and try to understand. A, B, C, D, E, F, G and H. So this is a binary tree और इस binary tree के ऊपर मुझे दोबारा से in order traversing apply करना है. तो कैसे हम लोग apply करते हैं? Starting करते हैं हमेशा अपने root node से. ये मेरा root node है. तो सबसे पहले मुझे उसके कहां पे जाना है? लेफ्ट सब ट्री को. तो इस रूट नोड की ये क्या बन गई? मेरी लेफ्ट सब ट्री. ठीक है, अब इस लेफ्ट सब ट्री का भी कोई रूट नोड होगा, कोई लेफ्ट सब ट्री होगा, कोई राइट सब ट्री होगा. तो इस लेफ्ट सब ट्री में बी क्या बन गया? मेरा रूट नोड. अब हमें विजिट क्या करना है? पहले लेफ्ट सब ट्री. तो इस रूट नोड की क्या कोई लेफ्ट सब ट्री है? नो. तो कोई बात नहीं, लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो पहले हम किसको विजिट करेंगे? रूट नोड को. ओके, देन हम कहां पे जाएंगे? इसकी राइट सब ट्री पे. अब इन केस ऑफ राइट सब ट्री अगेन सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे. फर्स्ट विजिट द लेफ्ट, देन विजिट द रूट एंड फाइनली विजिट द राइट सब ट्री. तो इस केस में सी मेरा क्या बन गया? रूट नोड. और डी उसका क्या बन गया? लेफ्ट चाइल्ड. क्या डी किसी का रूट नोड है? नो. तो यानी कि पहले विजिट होगा हमारा लेफ्ट चाइल्ड डी, देन विजिट होगा हमारा रूट नोड सी. तो फर्स्ट आई विजिट डी, देन आई विजिट सी. एक बार फिर से देखिए, हम लेफ्ट सब ट्री पे आए. लेफ्ट सब ट्री में पहले हमने चेक कहां से स्टार्टिंग की? रूट नोड से. रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री चेक किया तो यहां पे बी की लेफ्ट सब ट्री क्या है? नल है. तो इसीलिए हमने पहले रूट नोड को ट्रेवर्स किया, फिर उसकी राइट सब ट्री पे गए. राइट सब ट्री पे भी हमने सेम लॉजिक फॉलो किया, स्टार्टिंग की रूट नोड से और चेक किया उसकी लेफ्ट सब ट्री को. लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास केवल एक ही नोड था, नोड डी. उसके आगे हमारे पास कोई नोड्स अवेलेबल नहीं है, वही हमारा लास्ट नोड है. तो हमने पहले डी को विजिट किया, फिर उसके नोड रूट नोड को विजिट किया एंड इस सी का कोई राइट नहीं है. तो एक तरीके से हमारी कंप्लीट लेफ्ट सब ट्री रूट ए की विजिट हो गई. जैसे ही हमारी कंप्लीट लेफ्ट सब ट्री रूट ए की विजिट होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? विजिट करिए रूट नोड को. सो द रूट नोड इज कैपिटल ए. उसके बाद हमें किसको विजिट करना है? राइट सब ट्री को. सो दिस इज द राइट सब ट्री. अगेन राइट सब ट्री में भी हमारे पास रूट नोड होगा, लेफ्ट सब ट्री होगा, राइट सब ट्री होगा. तो सेम रूल्स को हमें दोबारा फॉलो करना है कि पहले हमें लेफ्ट सब ट्री विजिट करना है, देन रूट नोड एंड फाइनली राइट सब ट्री. सो इन दिस केस अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड बिकॉज ई इज द रूट नोड ऑफ द राइट सब ट्री. ई की लेफ्ट सब ट्री में दो नोड्स हैं, एफ एंड जी. ई की राइट सब ट्री में सिंगल नोड है. तो पहले हमें किसको विजिट करना है? लेफ्ट सब ट्री को. ना जब हम लेफ्ट सब ट्री में आते हैं तो अगेन एफ हमारा रूट नोड है. क्या एफ की कोई लेफ्ट सब ट्री है? नो. एफ की लेफ्ट सब ट्री नल है. तो पहले हम किसको विजिट करेंगे? रूट नोड को. उसके बाद उसको किसको विजिट करेंगे? उसका राइट चाइल्ड. राइट, लेफ्ट, रूट, राइट. अब जैसे ही हमने लेफ्ट सब ट्री इस नोड की ई की विजिट कर ली है तो नेक्स्ट हम किसको विजिट करेंगे? रूट नोड को, विच इज कैपिटल ई. फाइनली हम इसकी किसको विजिट करेंगे? राइट चाइल्ड को. तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स थे? ए बी सी डी ई एफ जी एच. और आप देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच मीन्स हमने सारे नोड्स को एग्जैक्टली वन टाइम ट्रेवर्स कर लिया यूजिंग इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम. तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, आपको रूट नोड से स्टार्ट करना है और पहले उसकी लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करना है. और हर बार लेफ्ट सब ट्री में भी हमारे पास, बिकॉज इट इज अ सब ट्री, और एक ट्री के अंदर रूट नोड भी होता है, लेफ्ट चाइल्ड भी होता है, राइट चाइल्ड भी होता है. राइट, तो आपको पहले कहां पे जाना है? उस रूट नोड की भी लेफ्ट सब ट्री में.
और कब तक जाना है, जब तक आप एक एंड पे ना पहुंच जाओ कि उसके बाद फर्दर कोई भी हमारी सब ट्री पॉसिबल नहीं है, तो वही हमारा लेफ्ट चाइल्ड कंसिडर होता है। और इन केस अगर किसी रूट नोड की लेफ्ट सब ट्री नल है, तो उस केस में पहले हमारा क्या विजिट होगा, रूट नोड, क्योंकि ऑलरेडी हमारी लेफ्ट सब ट्री नल है तो उस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर हम पहले रूट नोड को विजिट करेंगे देन राइट सब ट्री को। तो आई थिंक दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं, इनके थ्रू आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपनी बाइनरी ट्री के ऊपर इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस सम मोर एल्गोरिथम्स लाइक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।